Let's begin the topic invertible function. Now see what is invertible function in general. अब देखो अगर मेरे पास कोई variable है x और मैं आपको बोल रही हूँ कि इसका reverse क्या होगा, इसका reciprocal क्या होगा, जिसको आप reciprocal कहते हो mathematics में, in general reverse, उल्टा, इसका उल्टा क्या होगा? Reverse और reciprocal एक ही चीज़ है ना, reverse उल्टी process, reciprocal 1/, ठीक है, तो इसका रिवर्स क्या होगा? 1/x, क्लियर। अब आ जाओ, इफ यू आर टेकिंग, चलो जर्नल लेते हैं, 3 का रिवर्स क्या होगा? 1/3। 1/4 का रिवर्स क्या होगा? 4, ठीक है। अब ये था अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू। कम टू द फंक्शंस, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ लॉग? लॉग का इनवर्स होता है बेटा एक्सपोनेंशियल। इनवर्स लॉगरिथमिक का रिवर्स ऑर्डर क्या है? एक्सपोनेंशियल। मल्टीप्लाई की रिवर्स ऑर्डर क्या है? डिवीजन। प्लस की रिवर्स ऑर्डर क्या है? माइनस। ये थे ऑपरेशंस, ये आगे फंक्शंस, ये आगे वेरिएबल्स, ठीक है। अभी बहुत कुछ होता है मैथ्स में, ठीक है। अब आ जाओ, कितने सारे फंक्शंस होते हैं, लाइक आपने 10th में 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है साइन एक्स, क्या कोई मुझे साइन एक्स का रिवर्स बता सकता है? इंस्टेंट आपके दिमाग में आएगा 1/sin x, क्योंकि ऐसा कुछ आपने पढ़ा भी हुआ है, देखा भी हुआ है ना, 1/cos x, 1/tan x, लेकिन ये इसके इनवर्स नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं? व्हाट इज साइन एक्स? साइन एक्स इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन एक्स इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो आप 10th में पढ़ते हो, डैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वहाँ पे एक्स गिवन था 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तब हम इसको फंक्शन नहीं कह रहे थे। यहाँ पर प्लस वन में एक्स आ गया, जब एक्स आ गया मींस कि इनपुट आ गया। अब एक्स कुछ भी हो सकता है, 0, 10, 20, -20, -100, -1000, वट एवर इट मे बी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब आपके पास इनपुट आ गया, एक्स कुछ भी हो सकता है, मतलब कि साइन एक्स क्या बन गया? एक फंक्शन। और साइन एक्स के फंक्शन को, स्पेशल टाइप को हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेकंड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो साइन एक्स का जो रिवर्स ऑर्डर होगा, जो रिवर्स फंक्शन है, दैट इज साइन इनवर्स एक्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जबकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने प्लस वन में पढ़ा हुआ है, जो हमने जितने भी फॉर्मूलाज किए हैं, एक्स साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स साइन वाई, ये सब ऑल डैट, ठीक है, वो थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्लस टू में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक का इनवर्स, दैट इज इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये होगी ट्रिग्नोमेट्री की बात। सिमिलरली फिजिक्स में थोड़ा थोड़ा डेरिवेटिव पढ़ते हो ना, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का रिवर्स ऑर्डर क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव आर बोथ आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, राइट। दोबारा से करते हैं, प्लस का रिवर्स क्या होगा? माइनस। मल्टीप्लाई का रिवर्स क्या होगा? डिवीजन। और लॉग का रिवर्स क्या होगा? ई रेस टू पावर, एक्सपोनेंशियल। लॉग का इनवर्स हो गया एक्सपोनेंशियल। और इस टाइम पे मेरे दिमाग में और कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि समझाने के लिए क्लियर हो गया तुम्हें। साइन का इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव का इनवर्स इंटीग्रेशन, प्लस का इनवर्स माइनस, मल्टीप्लाई का इनवर्स एफ इनवर्स, लॉग का इनवर्स फंक्शन एक्सपोनेंशियल, राइट। अब आ जाओ, मेन टॉपिक है जो फंक्शन का इनवर्स क्या होगा। फंक्शन मतलब ये जो एफ ले रहे हो आप, ये एक मैपिंग ले रहे हो, एक रिलेशन बनाया, रिलेशन से एक फंक्शन बनाया, फंक्शन को मैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है, फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड मैपिंग। तो इसमें जो एफ है, एफ एफ क्या होती है? व्हाट इज एफ? दिस इज एक्स, दिस इज वाई, व्हाट इज एफ? एफ इज ए प्रोसेस, ठीक है। जैसे कि जूस निकालना है किसी फ्रूट का, तो हमें क्या चाहिए? मिक्सचर चाहिए, जूसर मिक्सचर चाहिए, वो एक प्रोसेस हो गई हमारी, ठीक है। तो इसमें जो f है, इसका इनवर्स क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, ठीक है। तो जो देखो आपका फंक्शन चल रहा है, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? x से लेकर y तक चल रहा है। तो अब इसका उल्टा करना है, इसका रिवर्स ऑर्डर लेना है। रिवर्स क्या करोगे बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओ।
जब हम x से y में जा रहे हैं हमें मिल रहा है फंक्शन f. अगर हम y से x में चले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? f इनवर्स. ठीक है, तो फंक्शन का रेसिप्रोकल, फंक्शन का रिवर्स प्रोसेस क्या है हमारे पास? f इनवर्स. ठीक है, अब बात यहाँ पर आ गई अगेन डोमेन एंड रेंज की. ध्यान से देखना, जब आप दिस इज x, दिस इज y और ये आपका फंक्शन है, ये क्या है? डोमेन. और ये क्या है? को डोमेन. रेंज नहीं कहना, रेंज आंसर्स होते हैं, हमने सिर्फ को डोमेन एंड को डोमेन लेना है. याद रखना इसको, कई लोग इसको भी रेंज बोल देते हैं, ये रेंज नहीं है, ये को डोमेन है. ठीक है, रेंज तो आप जो वैल्यू पुट कर रहे हो उसमें से जो आंसर निकल के आ रहा है डैट इज योर रेंज, राइट. अब देखो, डोमेन इज एक्स, रेंज इज वाई, तब एक फंक्शन बन रहा है. अब फंक्शन के लिए क्या नेसेसरी है? कंडीशन इज, नेसेसरी कंडीशन इज, लेफ्ट हैंड साइड खाली नहीं होनी चाहिए एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव यूनिक इमेजेस. फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू एक्स देयर एग्जिस्ट यूनिक वाई बिलोंगिंग्स टू वाई, दिस इज द डेफिनेशन. और जब आप रिवर्स बनाते हो तो आप यहाँ पे वाई ले रहे हो, यहाँ पे एक्स ले रहे हो और इसको लिख रहे हो एफ इनवर्स, ये इनवर्स फंक्शन है. तो यहाँ पे अब क्या होना चाहिए? वाई खाली नहीं होना चाहिए. फंक्शन ये तभी बनेगा जब ये वाई जो है खाली नहीं होगा. ठीक है, सभी वाई के लिए डिस्टिंक्ट, सॉरी सभी वाई के डिस्टिंक्ट हम लेते हैं वन वन ऑन टू में, वन वन में. ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, मैं खुद यहाँ पे गलत बोल रही हूँ. सभी वाई के लिए यूनिक एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए, यूनिक एक्स, सभी वाई के लिए यूनिक एक्स एग्जिस्ट करेगा तभी ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. तो यहाँ पे जब हम इनवर्स लेते हैं, जो हमारी डोमेन थी वो अब क्या बन गई है? कोडोमेन. और जो हमारी कोडोमेन थी वो हमारी क्या बन गई है? डोमेन. ठीक है, तो ये कंडीशंस कैसे बनेंगी? तो हर फंक्शंस के इनवर्स हो सकता है एग्जिस्ट ना करें. ठीक है, क्यों ना करें? बिकॉज देखो, अगर 1 2 3 4 ए बी सी, ये मैंने लिया 1 2, ये 4 खाली, सी टी, ये ठीक है, 1 2 3 4 ए बी सी, वेट मैं इसको दूसरे पेपर पे करती हूँ दोबारा से. यस स्टूडेंट्स, आई हैव टेकन टू सेट एक्स एंड वाई. ठीक है, एक्स में मैंने एलिमेंट्स लिए 1 2 3 4, वाई में मैंने एलिमेंट्स लिए ए बी सी डी. वन को मैंने रिलेट किया ए के साथ, टू को मैंने रिलेट किया बी के साथ, थ्री को रिलेट किया बी के साथ और फोर को रिलेट किया सी के साथ. ठीक है, अब देखो क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है बताओ? एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज़ अ फंक्शन और नॉट? ऑफ कोर्स इट इज़ अ फंक्शन. फंक्शन के लिए एक ही कंडीशन जरूरी है, कौन सी? फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट यूनिक वाई, वो तो एग्जिस्ट कर रहे हैं. और दूसरी बात क्या देखनी है कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो खाली नहीं होनी चाहिए. राइट हैंड साइड खाली होती है, हो जाए, नो प्रॉब्लम. ठीक है, देयरफॉर इट इज ए फंक्शन. अब जब मैं इसकी इनवर्स फंक्शन में इसका डिफाइन कर रही हूँ एफ इनवर्स, अब देखो मैंने क्या किया, जो इसकी को डोमेन थी मैंने इसकी डोमेन बना दी, जो इसकी डोमेन थी उसको को डोमेन बना दिया. ए वन बी टू इसी से रिलेटेड किया. देखो टू और थ्री की सेम इमेज है बी, इट मीन्स बी टू और बी थ्री, सी एंड डी, क्या ये एफ इनवर्स फंक्शन है? इनवर्स तो बाद में बनाएंगे ना, क्या ये फंक्शन बन रहा है? नो, फंक्शन ही नहीं बन रहा. लेफ्ट साइड क्या होता है? इज एम्प्टी. लेफ्ट साइड इज एम्प्टी, खाली नहीं होनी चाहिए. हमारे पास ये एलिमेंट बच गया है, ई एलिमेंट एम्प्टी है, दिस एलिमेंट ये बच गया खाली, इसका क्या करें? तो ये तो फंक्शन ही नहीं बना रहा. तो फंक्शंस के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं हमारे पास, वी विल डिस्कस दीज कंडीशंस. ऐसे ही इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते. ठीक है, जैसे देखो ना, बचपन में आप कहते हो 1/x, अगर आप x को 0 ले लो तो 1/0 क्या बनेगा? इन्फिनिटी. तो कंडीशन हो गई ना कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, राइट. अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया इट इज़ नॉट डिफाइंड. सिमिलरली इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा, देयर आर सम कंडीशंस, देयर शुड बी सम कंडीशंस. इसको एनालाइज अगर आप करते हो, फंक्शन तभी बनेगा, लेफ्ट साइड खाली नहीं होनी चाहिए. ठीक है,
ठीक है, राइट चाहे हो जाए, जब आप इन्वर्स लेते हो तो लेफ्ट साइड खाली नहीं होनी चाहिए, जबकि जो लेफ्ट साइड थी वो इसी की तो राइट साइड है। इट मीन्स इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा ना लेफ्ट साइड खाली हो ना राइट साइड खाली हो, राइट। सो लेट्स डू द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन। अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेड टू बी इन्वर्टिबल, मीन्स उसका इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी। एक नया फंक्शन बना रहे हैं हम जी, कहाँ से कहाँ तक, y से x तक, इसका रिवर्स कर दो y से x। यहाँ पे जो g है, मैंने जो अपनी एग्जाम्पल सॉल्व की है उसमें मैंने g को क्या लिया है, f इनवर्स, ठीक है। आगे जाके हम यही बोलेंगे कि g इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f, g को मैंने यहाँ पे f इनवर्स लिया। आप कन्फ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि f इनवर्स फ्रॉम y टू x सच डैट, ये कंसेप्ट देखो, कॉम्पोजिशन करवाई थी ना, ठीक है, सच डैट g of f equals to ix, f of g equals to iy. iy means identity function of y and ix means identity function of x, right? So I'm repeating once again, a function f from x to y is said to be invertible if there exists a function g एक्चुअल में है क्या, एफ इनवर्स g फ्रॉम y टू x सच डैट g ऑफ f इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x एंड f ऑफ g इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y। दिस इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, बच्चों को समझ नहीं आती कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है, g ऑफ f इक्वल्स टू y x, f ऑफ g इक्वल्स टू y y, जबकि अभी हमने पहले एग्जाम्पल में बोला है कि लेफ्ट साइड नहीं खाली होनी चाहिए, राइट साइड नहीं खाली होनी चाहिए, ठीक है। इसको हम डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन आप कंडीशंस देख लो, आपको बहुत ज़्यादा इन चक्करों में नहीं पड़ना, बस बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप आफ्टर प्लस टू किसी भी फील्ड में जाते हो टॉपिक स्टार्ट फंक्शन से ही होना है, कोई भी चैप्टर स्टार्ट फंक्शन से ही होना है, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मैंने डेफिनेशन सिर्फ थ्रेटिकली समझाने के लिए की है, अदरवाइज क्वेश्चन तो आपको आते हैं, आप कर चुके हो पहले, ठीक है। तो इसको करते हैं बाद में डिस्कस, पहले जो इजी वाली डेफिनेशन है वो देखते हैं। वी हैव वन थ्योरम, जो मैंने बताया ना आपको कि लेफ्ट साइड नहीं खाली होनी चाहिए, राइट साइड नहीं खाली होनी चाहिए, वो कब होता है बताओ, लेफ्ट साइड जब खाली नहीं होती तो फंक्शन क्या होता है, वन वन, और जब राइट साइड खाली नहीं होती तो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू। इट मीन्स अगर हमें दो कंडीशंस इकट्ठी मिल जाएं, अगर कोई फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो वो फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, उसकी इन्वर्स मैपिंग एग्जिस्ट करेगी, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब होता है बोथ साइडेड, कि अगर आप ये रिजल्ट लोगे तो ये भी आएगा, ये लोगे तो ये आएगा। तो इसी रिजल्ट को मैंने दोबारा से लिखा हुआ है, देखो अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो फंक्शन वन वन ऑन टू होगा, अगर फंक्शन वन वन ऑन टू है तो फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, उसकी इन्वर्स मैप एग्जिस्ट करेगी, राइट। ये देखो अब आपको वन वन भी आता है करना, ऑन टू भी आता है, ठीक है, इनवर्स निकाल लोगे तो मीन्स क्वेश्चंस तो आपके हो गए हैं, उसमें कुछ नया नहीं करना, लेकिन डेफिनेशन तो क्लियर होनी चाहिए। अ फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा, जब वो वन वन भी होगा ऑन टू भी होगा, अगर फंक्शन वन वन ऑन टू है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इफ़ एंड ओनली इफ मीन्स की दोनों साइड रिजल्ट चलेगा। सेकेंड थ्योरम ये होगी, इफ़ द फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू देन द एफ इनवर्स फ्रॉम वाई टू एक्स इज इन्वर्टिबल। थ्योरम नंबर थ्री, इफ़ एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज वन वन ऑन टू, अगर दोनों वन वन ऑन टू है, अगर कोई फंक्शन वन वन ऑन टू है तो जो भी उसका इन्वर्स होता है वो एक यूनिक होता है, इन्वर्स इज ऑलवेज यूनिक, देखो ना टू का इन्वर्स हमेशा वन बाई टू ही होता है, एक ही होगा और कोई नहीं होगा इसके अलावा, साइन का इन्वर्स, साइन इन्वर्स एक्स ही होगा, एक ही होगा, ठीक है। तो ऑलवेज इन्वर्स इज यूनिक, एमसीक्यू बन सकता है, इन्वर्स हमेशा यूनिक होता है फंक्शन का, ठीक है। अब रह गई आपकी ये वाली डेफिनेशन, जी ऑफ एफ इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ वाई, विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।